मार्सर स्टोरी बाय। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, बाकी जो हमारे एक्टर्स हैं वो ज्वाइन करेंगे लेटर। ऑलराइट, उसके पहले एक बार तालियां हो जाएगी पूरी कास्ट लोग की टीम के लिए। प्लीज वेलकम, एक बार तालियां प्लीज। मैं वहां आता हूं और मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा अमन सर के लिए। सर प्लीज आप यहाँ आए एक बार। सर आपको जब जब टीवी में देखा है तब तक लोग इंस्पायर होते हैं, एंटरटेन होते हैं। फिल्मों के बाद बागबान से लेके सारी फिल्में जब जब आप स्क्रीन पे आते हो, इट्स अमेजिंग। हाउ इज़ द एक्सपीरियंस सर? प्लीज बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले, एंड थैंक यू फॉर ऑल द काइंड वर्ड्स दैट यू हैव सेड इन माय ऑनर। आई डोंट इवन नो योर नेम। लकी, तो एक बार लकी जी के लिए ताली बजा दीजिए। एज एन एंकर आई थिंक मैं जानता हूँ कि लोगों का फोकस अपनी तरफ अगर रखना है तो कितना मुश्किल काम होता है। सो बट मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि किसी भी तरह की फिल्म या कोई भी प्रोजेक्ट जब बनता है, आई थिंक जो प्रोड्यूसर हैं या जो लोग उसके पीछे हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा श्रेय देना चाहिए। तो मेरा इस प्रोजेक्ट के साथ राज्य की वजह से कनेक्शन रहा है, और शायद अगर राज्य नहीं होते तो मैं शायद ये प्रोजेक्ट नहीं करता। काफ़ी समय से इन्हें जानता हूँ, वो बहुत नेक इंसान है और बहुत ही मेहनती है, सबसे बड़ी बात यह है। एंड प्रोजेक्ट खैर बन गया, अभी सामने आया है, एंड आई हैव लाइक द ट्रेलर। आई एम श्योर कि आप सब लोगों को भी अच्छा लगा होगा। बट प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट आगे चले नहीं चले वो बात की बात है, बट आप सब लोग जानते हैं इंडस्ट्री में इतने सालों से हैं कि एक प्रोजेक्ट को बनाने में जितनी मेहनत लगती है, सो उसके लिए ये पूरी की पूरी टीम हमारे साथ है। स्टोरी टेलर हमारे हैं, डायरेक्टर हैं, हमारे एक्टर्स हैं। सो मैं चाहूँगा कि मेरे अलावा बाकी ये जितनी टीम है उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। I'm honored to be a part of this project, and well, I just hope the very best. और मैं यही चाहूँगा कि राजी इस तरह से आप और भी बहुत सारे projects बनाते रहें, और हर project में मुझे ही cast करते रहें। Thank you so much. चाहूँगा कि जितने गाने हमने यहाँ पे देखे उसमें ये किसिंग सीन इतने कमाल के हैं, तो मैं यही जानना चाह रहा था कि ये गाना मुझ पे क्यों नहीं फिल्म। दो गाने आपके साथ हैं, राइटर साहब लिखे हुए हैं, डायरेक्टर्स के साथ और कोरियोग्राफर आए हैं, सब मिलके बनाए हैं। दो गाने नहीं, नहीं गाने मेरे ऊपर है, लेकिन उसमें किसिंग सीन है कि नहीं इससे ज्यादा रहेगा। नहीं नहीं, यहाँ तक हम किसिंग नहीं कर सकते, उससे आगे नहीं कर सकते। बट जी बोलिए। अब सर ने बात छेड़ी थी तो मैं सब लोग सामने बोलता हूँ कि हम लोग अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट अनाउंस कर रहे हैं। पिक्चर का नाम है गॉड ब्लेस यू, उसमें अमन सर हैं और पूरी टीम है, और फिर जब कुछ महीनों बाद फिर बना के आप फिर आएंगे तो आप लोग सब इसके गवाह रहेंगे। और हमारे साथ हैं हमारे पार्टनर जो रहे हैं दिनेश प्रजापति जी, वो भी हमारे को प्रोड्यूसर हैं, वो बताएंगे उनके बारे में। हेलो एवरीवन, ये फिल्म में काम करके बहुत अच्छा लगा, स्पेशली अमन सर के साथ काम करके काफ़ी अच्छा लगा। इनको मैंने काफ़ी फिल्मों में देखा है एक्ट करते हुए, काफ़ी अच्छा भी लगा था इनको देखे। स्पेशली माय फेवरेट बागवान, उसमें इनका रोल मुझे बहुत अच्छा लगा था, एंड आई रियली लाइक इट मूवी। सो इनके साथ एक काम, क्या दिए टिप्स, क्या दिए ये बताइए टिप्स। एक्चुअली देखा जाए तो अमन सर और मेरी मुलाकात का शूट के काफ़ी एंड में हुई थी, सो उतनी बातचीत नहीं हो पड़ी, बस फिर भी इनके साथ काम करने में अच्छा लगा। एक बार तालियां हो जाए, सीधा सीरियल के बाद पहली फिल्म सर कर रहे हैं। आप लोग के आने के लिए धन्यवाद। और अमन सर हैं, अमन सर और मैं हम लोग साथ में पहले काम किए थे, उनकी शादी के मैं असिस्टेंट था उस टाइम, ये 2000 की बात है। अरे बहुत लंबा गैप के बाद दूसरी बार हम लोग काम किए, तो हमने सब मिलके काम किया है, पूरा टीम का कंट्रीब्यूशन है, और कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती। हर सिनेमा का अलग जोनर होता है, ये डिफरेंट जोनर है। इसमें थोड़ी क्रिएटिव कंटेंट है, लेकिन उसमें प्रोड्यूसर को रिकवरी भी तो चाहिए। और बॉलीवुड सिनेमा में छोटी छोटी फिल्में बन रही हैं, अलग अलग जोनर की फिल्में बन रही हैं,
डिफरेंट जोनर पे ही काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे। सबका सहयोग रहा हमारा धन्यवाद सर। मैं शशि पांडे आप सबका स्वागत करता हूँ, अमन जी का विशेष तौर से स्वागत करता हूँ, आपने समय निकाला हमारे लिए आए। इस कहानी की चर्चा करते हैं, देश में बहुत सारे बलात्कार हो रहे थे, अभी भी हो रहे हैं, आगे भी होंगे, समाज को जागरूक करना है ना, क्योंकि लोगों की मानसिकता महिलाओं के प्रति बदलना है। तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए मैं कुछ कहना चाहता था। पिंक फिल्म भी आई थी, उससे पहले भी दो तीन फिल्में आई थी, तो हम बलात्कार के ऊपर इसे रोका जाए ना कि बढ़ाया जाए, रोकने के ऊपर हम एक फिल्म करना चाह रहे थे, लेकिन उसमें सब हम अमित जी वगैरह काफी अच्छी अच्छी फिल्म, पिंक फिल्म बहुत बेहतरीन फिल्म थी। तो हमने ऐसे एक सोचा कि भाई एक विदेशी महिला इंडिया घूमने आती है, इंडिया का कल्चर समझने आती है, और यहाँ के कुछ गलत मानसिकता के लोग उसके साथ गलत काम करते हैं। अब अगर हम कोर्ट में जाते तो एक आमतौर पर एक घिसी-पिटी कहानी हो जाती। तो हमने ऐसा सोचा कि क्यों ना उसको मारकर गाड़ दिया, फिर उसकी आत्मा आई, उसने रिवेंज लिया। तो रेप के ऊपर रिवेंज पर शायद ये पहला सिनेमा होगा, मरने के बाद रूह आकर बदला लेती है। तो इसलिए हमने नेशनल और इंटरनेशनल ये दोनों सब्जेक्ट लिया है, और फीमेल टूरिस्ट जो इंडिया में घूमने आते हैं, हमारे देश की संस्कृति सभ्यता को समझने आते हैं, वो हमें डॉलर्स में पाउंड्स में पैसे देते हैं, और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में वो योगदान देते हैं। तो हम इस फिल्म के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि अतिथि देवो भव, वो गेस्ट हैं, वो मेल हो फीमेल हो, किसी भी हालात में उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, उनका मान सम्मान होना चाहिए, और उन्हें हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति को समझाने में हमें मदद करनी चाहिए। धन्यवाद। समय पहले बोला था कि बाहर दूसरे देशों से लोग आते हैं और हमारी जो इकोनॉमी है उनके यहाँ आने पे और जिस तरह से वो पैसे जो हैं डॉलर्स में या पाउंड्स में यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, और हमारे देश में ये माना जाता है कि अतिथि देवो भव। अब एक अतिथि को अगर आप देव का स्थान नहीं देते हैं तो कम से कम उसके साथ उल्टी सीधी हरकत हमें नहीं करनी चाहिए। तो फिल्म उसी पर है कि एक फॉरेन कपल यहाँ पे आया है, उस लड़की के साथ बलात्कार या रेप होता है, और फिर किस तरह से उसकी रूह पलट के बदला लेती है, एंड
मेरा रोल एक पुलिस ऑफिसर का है जो कि उस सिचुएशन में उस जगह पे आता है एंड उस क्राइम को किसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करता है। सर अमूमन देखा जाता है कि जब सड़क में फिल्में बनती है तो समाज से मैसेज जाता है, तो इस तरह के केसेस दो, इसके लिए आप क्या लोगों से अपील करना चाहेंगे? देखिए अभी इसमें मेरा यह मानना है कि हम किसी को कुछ करने से रोक तो सकते नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर अलग अलग जगहों पे सिचुएशंस पे अगर कैमरा लगे हों, सिक्योरिटी सिस्टम स्ट्रांग हो और जो सिक्योरिटी वाले हैं वो अपना काम सही ढंग से करें, और स्पेशली आप देखें कि जब औरतें अकेले कहीं जा रही हों या कहीं से आ रही हों, ये यू नो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप देखें कि वो सही स्थान पर पहुँच जाएँ। अगर आप एज ए ड्राइवर हैं, अगर आप एज ए सिक्योरिटी पर्सन हैं, या अगर आप किसी गाड़ी में हैं और एक लड़की अकेले चल मैं अक्सर यही देखता हूँ कि अगर कोई लड़की अकेले कहीं रात को अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ या लड़की अकेले जा रही है, तो मैं कई बार मैंने रुक के लोगों से पूछा भी है, लड़कियों से पूछा है कि भाई आप अकेली जा रही हैं, आर यू श्योर कि आप अकेले जाना चाहती हैं, या मैं आप चाहें तो मैं एक किसी एरिया तक मैं आपको जाके छोड़ के आ सकता हूँ। तो ये आपका अपना दायित्व बनता है और इसमें कोई गलत बात नहीं है। वी हैव टू लुक आफ्टर पीपल। अपने देश में जो आजकल जो माहौल है वो माहौल इतना अच्छा भी नहीं है, तो अपने तरफ से अगर आप जो कुछ कर सकते हैं औरतों को सिक्योर फील कराने में, ये हर मर्द का यू नो बनता है कि वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करें ताकि औरतें समाज में अपनी जगह पर किसी भी शहर में सुरक्षित महसूस करें। सर, एनआरआई गाड़ी की प्रोड्यूसर टीम ने अनाउंस किया कि अगला प्रोजेक्ट आपको लेके करेंगे, उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे सर? किस तरह उसके बारे में आई थिंक राजीव बताएंगे कि इनको कैसा लगा मुझसे काम करके और आगे करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। बहुत अच्छा लगा सर, इतना कोऑपरेट जो किए हैं हम लोग, मतलब सर के साथ कुछ ज़्यादा दिन का सीन था लेकिन उससे पहले ही टाइम से पहले ख़त्म कर दिया और बहुत अच्छा कोऑपरेट किए, और ऐसा नहीं लगा कि हम लोग किसी स्टार के साथ, ऐसा लगता हमारे बड़े भाई हैं, हमारे घर के फैमिली मेम्बर। आज भी देखिए हर जगह जहाँ भी बोले, डबिंग में हो चाहे यहाँ मीडिया में, एक बार बोले बस अपना वो कहाँ किसको डेट दिए थे सब छोड़ के मेरे साथ हैं, इससे अच्छे और क्या बोलूँ मैं। एक प्रोड्यूसर को उसकी पिक्चर टाइम पे कंप्लीट होकर टाइम पे रिलीज होने जा रही है, उससे अच्छी क्या बात है। अमर सर, बिग बॉस में सिद्धार्थ शुक्ला जी आ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? भाई जहाँ तक मुझे याद है कि सीजन 9 में भी बिग बॉस में मैं गया था आई थिंक, लेकिन इस बार जो मैंने जितना ज़्यादा मैं देख नहीं पाया हूँ क्योंकि मैं खुद बहुत ट्रैवल कर रहा था, बट आई थिंक एक अलग लेवल पे इस बार चीखना चिल्लाना फिजिकैलिटी एक अलग लेवल पे आई थिंक बिग बॉस में चली गई है, और आई ऑनेस्टली पर्सनल लेवल पे आई डोंट एग्री कि एक रियलिटी शो में इतनी मारपीट दिखाना, और वो भी एक नेशनल लेवल के चैनल पे उसे दिखाना सही है। आगे चैनल वाले और जो लोग पसंद करते हैं और TRP के आगे तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं, हमें वही करना है जो TRP हमें बताती है, सिंपल सी बात है। सर, आपसे सवाल, NRI डायरी का टाइटल आपके ध्यान में कैसा है? NRI डायरी एक अपने आप में बेसिकली इनका नाम एंजॉयिंग इंडिया था, जो एक बहुत बड़ा नॉवेल फेमस है जो अमेजोन पे है, वो उसी बेस पे स्टोरी था पूरा कि बाहर लोग फॉरेनर आते हैं तो क्या कैसे उसके साथ घटना घटा है, इसलिए वो था। लेकिन सेंसर वाले ने वो टाइटल नहीं दिया जी, बोले कि नहीं मिलेगा, आप कोई भी चॉइस कीजिए, तो सेम उस तरीके से करके NRI डायरी अभी ओपन होगा अप्रैल में, तो पता चलेगा एक्चुअल क्या है। सर, होली की शुभकामनाएं जी। आपको वो टैगलाइन चाहिए? हाँ सर। ओके जी, नमस्कार, मेरा नाम है अमन यतन वर्मा, और जितने भी लोग इस समय मुझे देख रहे हैं आप सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं। मैं यही चाहूँगा कि आप सब लोग दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते रहें और कोरोना वायरस से बचें। डायरेक्टर के साथ ले लीजिए। अमन सर के साथ पहले भी मैं काम कर चुका हूँ, हम लोग एज असिस्टेंट था बालाजी की क्योंकि साजू के वो सीरियल में, और ये दूसरा काम है मेरा, तो उनका कोऑपरेशन है, वो डाउन टू अर्थ है, बहुत ही कोऑपरेटिव और अच्छा, पहले से जानता हूँ,
जितने सीनियर आर्टिस्ट हैं, तो अच्छा लगा। और कोई ऐसी बातें शेयर करना चाहेंगे जो आपके लिए चैलेंजिंग रहा हो? चैलेंजिंग तो है, देखिए बॉलीवुड मूवी बॉलीवुड में तो मतलब जो अभी जिस जोनर पे काम हो रहा है, मतलब अलग अलग जोनर डिफरेंट डिफरेंट जोनर पे काम कर रहे हैं, हमने एक जोनर पे काम करना स्टार्ट किया, ठीक है, इसमें बेसिकली मेन मुद्दा है वुमेन हरेसमेंट, ठीक है, हमने उसको ही टारगेट किया, बाकी मसाला थोड़ा सा डाल दिया जैसा हमारा मिनिमम बजट में हमने उस पर कम्प्लीट किया। शूट के बारे में बताना चाहेंगे? शूट तो पूरा बॉम्बे में हुआ, बॉम्बे मठ में सारे बंगलोज हैं और एक्सटीरियर इंटीरियर। सर आपको लगता नहीं मतलब इस मूवी में ज़्यादातर मसाला ही मसाला है, गरम मसाला है? नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं तो ये कहूँगा कि बिना मसाला के होता क्या है। आई एम श्योर कि आप लोग खाना भी खाते हैं उसमें भी मसाला तो डालते ही होंगे ना, मसाला निकाल दीजिए, नमक निकाल दीजिए, काली मिर्च निकाल दीजिए, तो खाली तो कोई भी नहीं खाएगा। बेटर देन वेब सीरीज, अभी जो वेब सीरीज में जो कचरा कर रहे हैं उस बेटर देन, मैं सीरियस बात है, एवरीबॉडी नोस, सबको पता है कि अब वेब सीरीज में जाके देखिए, आप सेट में इवन जाएंगे तो भी इतना आपको लगेगा कि ठीक है, बेटर देन। लेकिन हाँ देखिए, हम जिस ऑडियंस टारगेट को हम लोग लेके फिल्म बना रहे हैं तो वो थोड़ा सा उनका पैसा रिकवरी भी तो चाहिए, हम खाली क्रिएटिविटी पे फोकस करेंगे तो ठीक है। आर्ट फॉर्म है कुछ, देखिए अब डिफरेंट जोनर पे आर्ट फॉर्म पे जाएंगे, कम्प्लीटली आर्ट फॉर्म पे फिल्म बिकेगी नहीं, उनका पैसा गया, ठीक है, उनका भी एक थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा मतलब मूवी में काम करना, स्पेशली जब पता चला कि अमन सर साथ में काम करने वाले, तो मतलब एक तरह से इट्स अ वेरी बिग डील कि मतलब इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करना, काफ़ी कुछ मतलब इनसे सीखने भी मिला कि मतलब हाउ टू बी गेट परफेक्ट इन योर रोल्स एंड अनदर थिंग्स। रही बात रोल की और सीरियसनेस की, तो एक्चुअली आई एम अ थिएटर आर्टिस्ट, मैं थिएटर्स करता हूँ, सो जब मुझे वो रोल बताया गया कि डैड इसमें इतना डीप जाना चाहिए, सो आई मतलब उसकी डीपनेस को समझा मैंने, एंड आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू गिव व्हाट दैट सीन वांट्स फ्रॉम मी। आपकी पहली मूवी? नो, दिस इज वन सेकंड वन। और अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहेंगे आप? अपने बारे में बताना चाहेंगे आप कहाँ से? कितना चैलेंजिंग रहा बॉलीवुड में आपका? एक्चुअली इट वॉज माई ड्रीम टू बी इन बॉलीवुड एंड it seems like that I'm getting into Bollywood. So actually mere father ka bhi dream hai ki that he wants to launch me in Bollywood. So my big support system mere father hai, meri family hai, jinki wajah se aaj main yahan kaam kar raha hu. Maine first movie mere father ne produce ki and aaj unki wajah se mujhe aman sir ke sath kaam karne ka mauka mila, and my all other teams especially Raj Varma sir जिन्होंने मतलब इनके कांटेक्ट करके इन्हें हमारी टीम में शामिल किया। अब अमन वर्मा सर से सीनियर आर्टिस्ट के साथ आपने भी जिक्र किया कि मैं थिएटर से डायरेक्ट जो है आप क्या कहते हैं? एक्चुअली थिएटर एक अलग पार्ट है, तो वहाँ पे हम कुछ सब चीज़ हमें खुद करना पड़ता है, जिसकी सेट्स उठाने से लेके सब ड्रेसिंग वगैरह सब हम खुद ही करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री भी कुछ उसी तरह है, इसको मतलब जिस तरह से आप इसको जितना आप अपना बनाएंगे ना, जैसे थिएटर में क्या होता है, जैसे आप जितने स्टेज को खुद को समझ उतना आपको हेल्पफुल रहेगा, उस तरह से इस रोल को सीन्स को जो भी आपको मिले ये मत समझिए कि आप एक्टिंग करें, जस्ट गो विद द फ्लो, उस कैरेक्टर को फील कीजिए, देन ईजी हो जाएगा आपके लिए। अब तो मैं कहना चाहूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस फिल्म का पार्ट हूँ एक, और आज हमारी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है तो आज बहुत खुशी का दिन है मेरे लिए, क्योंकि मेरा बॉलीवुड में हिंदी फिल्म फर्स्ट है, मैं मराठी इंडस्ट्री में काम करती हूँ लेकिन मेरा बॉलीवुड में फर्स्ट फिल्म है। मैं राज सर से थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस फिल्म के लिए ऑफर किया। अपने किरदार के बारे में बताना चाहेंगे क्या रोल? मेरा उसमें आशा का कैरेक्टर मैंने प्ले किया है, जो एक महाराष्ट्रीयन मराठी गुंडे की वाइफ है और वो विला में मेड का काम कर रही है। हाँ जी, तो अगर मेरा किरदार इतना इम्पोर्टेंट है मूवी में, अगर मैं नहीं होती तो शायद एक्टर और जो हमारी हीरोइन है जो जिसका रेप होता है जो सब कुछ होता है वो मिलते ही नहीं, बिकॉज जो मेन हीरो है वो मेरा ही फ्रेंड है तो मैं ही मिलाती हूँ उन सबको, तो आई गेस मेरी वजह से ही वो मिले और मूवी बने। बहुत
हाँ वही भूत बनती बात है। आज गाने भी सुने आपने, अमन जी थे फिल्म में क्या? हाँ जी, तो अमन सर को तो बचपन से देखते आए, तो बचपन से ही फैन है उनके। तो ये मेरी भी फर्स्ट बॉलीवुड मूवी है, इससे पहले मैं सीरियल कर चुकी हूँ एकता कपूर के, दो शॉर्ट फिल्म्स कर चुकी हूँ यूट्यूब की बहुत सारी, एंड डिजिटल एड्स वगैरह किए हैं मैंने 4-5। तो बट बॉलीवुड में पहली मूवी है और अमन सर है स्टार कास्ट में, तो इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। और राज वर्मा सर, अमन सर ने अपॉर्चुनिटी दी इसके लिए, तो थैंक यू राज वर्मा सर को। इस फिल्म का एसोसिएट प्रोड्यूसर के हिसाब से मैं जुड़ा हूँ, मैं मोहनदास हूँ, एंड एक फिल्म में एक छोटा सा किरदार भी निभाया हूँ ऑफ डिप्टी कमिश्नर। एंड केस जब आता है तब मैं अमन जी को सपोर्ट करता हूँ पूरा केस, एंड फिर आगे बढ़ती है स्टोरी। सो दिस इज ऑल। एंड बाकी का आपने ट्रेलर देखा है, आपको कैसे लगा ये आप लोग ज़्यादा बताएंगे, बट यस एक अच्छी पहल हमने की है, फिल्म अच्छी तरह से बन कर आई है, लुक एंड फील बहुत ही अच्छा है, एंड आई फील लेके आप लोगों को सबको अच्छा लगेगा। सर आप कहेंगे? मैं सर अमन शिवर है, और एज एन एक्टर मैं ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी टाइम से मुंबई में था, काफ़ी भरे शॉर्ट फिल्म वगैरह की हुई हैं, बट बॉलीवुड में कह सकते हैं मेरी फर्स्ट फिल्म है, एंड इतना बड़ा स्टार कास्ट, और राज वर्मा जी को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। और बेसिकली अमन वर्मा जी के साथ शेड्यूल हमारा मैच नहीं हुआ, तो हम उतना शूट नहीं कर पाए साथ में, लेकिन एक कहते हैं ना बचपन से देखा हुआ है उन्हें, उनकी एक्टिंग से बहुत कुछ सीखा भी है, बहुत सारी टिप्स ली हैं, और बाकी आपने देखा ट्रेलर देखा है म्यूजिक देखा है, तो हर चीज़ बहुत अच्छी है। उन्होंने अपना करियर भी बहुत पहले से स्टार्ट की हुई है। दिनेश जी बोलिए। नहीं सर आप बोलिए, आप बोलिए, आप मास्टर आदमी हैं। हाँ पहले आप मैं देखिए, मैं तो इस फिल्म में एक लेखक हूँ, लेखक के तौर पे काम किया है, आपका प्रश्न था प्रोड्यूसर से, इसलिए मैंने इस तरफ देखा। ऐसे लेकिन कैसे दिमाग में, जब हमने सुना कई बार देखा भी है कि रेप हुआ है, हाँ तो बाहर भी लोगों का, तब ध्यान में आई थी कहानी की कैसे जानकारी? हाँ, ये 4-5 साल पहले ना गोवा में एक स्टारलेट नाम की एक फीमेल टूरिस्ट थी, काफी चर्चित मामला था, वो दिमाग में बैठा था, फिर वो निर्भया कांड भी हुआ, फिर आगे बहुत सारे बलात्कार की घटनाएं हो रही थी, तो मेरे दिमाग में ऐसा एक क्लू आया कि भाई कोई बाहर से घूमने आता है तो वो कुछ देखने सीखने के लिए आता है, और वो हमें पैसे भी देता है डॉलर्स में, तो ऐसा क्यों होता है उसके साथ, लोगों की क्या मेंटेलिटी हो सकती है, और ऐसा नहीं होना चाहिए, फीमेल टूरिस्ट हो या हमारे देश की कोई महिला हो, किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके मद्देनज़र रखकर बहुत सारी बातें आ रही थी कि आर्ट लिखा जाए, कमर्शियल लिखा जाए, कंप्लीट पैकेज लिखा जाए, तो कोर्ट ड्रामा की ओर ना जाते हुए एक कंप्लीट पैकेज, एक कमर्शियल फिल्म लिखने की कोशिश की है मैसेज के साथ कि फीमेल टूरिस्टों के साथ हमें अच्छे से पेश आना है, उनके साथ कोई गलत काम नहीं करना। कंप्लीट पैकेज की या डराने की कोशिश की, अगर आप रेप करोगे तो आत्मा आएगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सही प्रश्न है आपका, सही जवाब भी है प्रश्न के साथ में, कि हमने ये कोशिश की है कि अगर गलत किया तो उसकी आत्मा आएगी और आपकी बैंड बजा देगी। सर आप कहेंगे? सर आप को-प्रोड्यूसर साथ में, मेरे को ज़्यादा उसके बारे में जानकारी नहीं है, सब सच बता ही दी आपको। मैं दिनेश जी के बारे में बता देता हूँ, ये उनकी दूसरी पिक्चर है, इसके पहले उन्होंने प्यार से बोलो देवा एक सामाजिक इशू पर फिल्म थी, वो भी उन्होंने अच्छे से बनाई, सक्सेसफुली उसको उन्होंने रिलीज़ किया, ये इनकी दूसरी पिक्चर है, और हम दोनों की दूसरी फिल्म है ये, हम लोग उस प्रोजेक्ट में भी इन्वॉल्व थे, और सिनेमा को अच्छी तरह से वो समझते भी हैं, इनके पास बहुत सारे लोग हैं उसमें से ये हमारे साथ काम करते हैं, जुड़ते हैं और हमें सही राह दिखाते हैं, तो इसके लिए इनका विशेष योगदान है। इस पिक्चर में भी बहुत समस्या आई, लेकिन दिनेश जी लास्ट तक खड़े रहे, बोले आप लोग काम कीजिए मैं पीछे हूँ, और इस तरह से देखिए हम आज यहाँ सारा इंटरनेशनल में बैठे हैं, दिनेश जी की बहुत ही विशेष कृपा है, उन्होंने टीम पर विश्वास रखा और हमें दूसरी बार मौका मिला, और हम चाहेंगे कि हमें तीसरी चौथी पाँचवीं बार भी 2-3 साल में दे दें, तो हम इस तरह से अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते रहे और सिनेमा को एक अच्छी अच्छी फिल्में हम लोग देते रहे। और अब थैंक यू सर।